प्यार साथियों, देखिए सवाल चल रहा है हमारा कुछ प्रकार से, कह रहा है कि भाई बोर्ड एंड स्ट्रीम का इन ए स्ट्रीम रनिंग एट दिस, उससे पहले भाई अगर चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। और हमारे चैनल पर फिर नई बिलीवर सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें हम जो है 10th क्लास का मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हम रिविजन क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। रिविजन क्लासेस किस लिए चलाएंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे 14-15 चैप्टर्स हैं, उन सभी की हम एक एक वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में मतलब वन शॉट समझ लो, वन शॉट में एक चैप्टर ख़त्म और उस चैप्टर के क्वेश्चंस उसमें और उसके कॉन्सेप्ट ख़त्म एक वीडियो के अंदर। आप देखोगे तो आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपके आपका अगर स्ट्रीम नहीं है, अब आप 10th में नहीं पढ़ते हो, या आपका भाई कोई छोटा बड़ा बहन जो भी हो, चाचा ताऊ रिश्तेदार जो भी हो, भाई शेयर करो उसको वीडियो, ठीक है, ताकि उसके काम आए। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, मतलब ऐसा करेंगे कि थोड़े में ज़्यादा आ जाए, मतलब गागर में सागर एक प्रकार समझ लो। चलो, तो एक प्रकार से रामबाण साबित होने वाला है उन बच्चों के लिए। दूसरा ये है, ये कह रहा है कि भाई इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 km/h अ मोटर बोट गो 6 km अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 33 मिनट्स। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, समझ लो कि भाई तुम नचवाने के लिए आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे में क्या करोगे, आपके पास में ऑप्शन तो होंगे, ये ऑप्शन उठा के लगा दो, ठीक है। यहाँ पर आप रेशो वेशो लिखने जाओगे दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो आपको एक्स वगैरह मानना पड़ जाएगा, फिर आप फंसोगे, इक्वेशन वगैरह बन जाएंगी। देखो क्या करना है, हमारे पास ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक सही है, या तो फिर रन आउट दीजिए, या सी ए बी ए, या फिर ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे कंडीशन यहाँ लगाएंगे और देखेंगे किससे हमारा 33 मिनट आ रहा है आंसर, किससे हमारा 33 मिनट आ रहा है, या फिर 33 मिनट को हम अगर कन्वर्ट कर लें, चलो 33 मिनट देख लेंगे, मान लो ए हमारा सही है, तो फिर हमारी बोट की स्पीड मिल गई हमको 33, हमारी बोट की स्पीड है। तो 33 जब हम डाउन स्ट्रीम करवाएंगे 33 से, देखो एक बार में थोड़ा, क्योंकि देखो मेरी बात समझो, अभी क्या है कि मैं मान रहा हूँ यहाँ पर और मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, ठीक है। दिमाग में कैसे होंगी, देखो मैं सोचूंगा कि भाई 23 के हिसाब, अगर 23 उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है, तो मतलब दो एक बार जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो जुड़ जाएगी, जब अप स्ट्रीम आएगा तो घट जाएगी, मतलब कि एक बार 25 से जाएगा और 21 से वापस आएगा, ठीक है। और 25 से वो 6 किलोमीटर चलता है और 21 से वो 6 किलोमीटर चलता है, तो दोनों का टाइम मैं जोड़ दूंगा निकाल के, वो चीज़ मैं डायरेक्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं, क्योंकि आप समझ रहे हो हम किसी एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो आराम से करेंगे, ठीक है। देखो हमें पता है टाइम क्या होता है भाई, डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या लगता है, डाउन स्ट्रीम का टाइम T1 मान लेता हूँ उसको, वो कैसे निकालते हैं, देखो ये कैसे निकलता है भाई, ये आपका टोटल डिस्टेंस और अपॉन में डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा उसको T2 मान लेते हैं, किसको, जो कि हमारा अप स्ट्रीम में टाइम लगेगा, तो वो टोटल डिस्टेंस जो चलता है और अप स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, अप स्ट्रीम की स्पीड US लिख देता हूँ, ठीक है। ये हम दो फॉर्मूले लगाएंगे और देखो इनको मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, कैसे, आपको पता है भैया 23 अगर मैंने सही मान लिया आंसर, तो मेरी बोट की स्पीड आ गई है 23 स्टिल वाटर में, और मैं अगर डाउन स्ट्रीम निकालने जाऊँगा तो 23 की स्पीड तो उसकी खुद की है, और डाउन स्ट्रीम में दो की और ऐड हो जाएगी, 23 में 25 के हिसाब से चलेगा वो, आपको पता है डिस्टेंस कितनी चलनी है, 6 किलोमीटर चलनी है, तो आप सीधे इसमें रखो ना भाई, यहाँ पर आएगा नीचे 25 और ऊपर आएगा 6, ये टाइम लगेगा। ऐसे यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आएगा 6, नीचे कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं अगली बार डायरेक्ट करूँगा, बस मैं यही कह रहा हूँ, ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो हम समझ रहे हैं, अब इन्हीं चीज़ को जोड़ना है, दोनों को इन्हीं को बस जोड़ देना है, ये आपका जो टाइम है 33 के इक्वल आ जाना चाहिए, अगर ये आंसर सही है, अगर ये आंसर सही हुआ तो इसके इक्वल आएगा, नहीं तो भैया नहीं आएगा। देखो कैसे, अब इसमें आप सबसे पहले एलसीएम वेल्सम लोगे, ठीक है, एलसीएम वेल्सम लोगे, कुछ कट पिट रहा हो तो काट पिट लो। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें कुछ कट पिट ना रहा हो, तो एक मिनट के लिए उसको स्किप कर दो, क्योंकि हो सकता है ये आंसर ना हो, दूसरे पाओ जरा। यहाँ पर आप देख लो 40 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आ, वो क्या करेगा भाई, 40 अगर दो के हिसाब से डाउन स्ट्रीम करेगा तो फिर कितना 42 किलोमीटर पर आर डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, 42 हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, और कितना 6 किलोमीटर प्लस। दूसरा जब आप स्ट्रीम करेगा तो 2 किलोमीटर कम हो जाएगी, ये वाली जो स्पीड है धारक की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड तो वो कम हो जाएगी, तेन कितना आ जाएगा 38 कम हो जाएगा, ये आएगा 6। देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, तो काटो पीटो जरा, दो से कटेगा ये 3 बार और दो से कट जाएगा दो और 1 बार, ऐसे ही 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 2 एकम 2, 2 में 18 बार कट जाएगा, ठीक है। और अभी हम इसके मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, अभी कट जाएगा 3 से 7 बार कट जाएगा। चलो अब हमारा आसान हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आसान हो गया, 1/3 1/7
प्लस 3 बाई 19। देखो कभी भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं देता भाई कि आप जो है कैलकुलेशन कर ही ना पाओ, ठीक है। तो अगर कोई ऑप्शन आप ऐसा ले रहे हो जिससे आपकी कैलकुलेशन कट पिट नहीं रही, कुछ बन नहीं रहा, तो समझ लो कि वो कुछ वही आंसर नहीं है, मतलब ऐसा मान लो कि वो नहीं है फिलहाल के लिए। उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई करो जहाँ से देखो कट पिट के छोटा हो जाएगा, ऐसे जैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब हो सकता है ऐसा ही हो, जैसे कि यहाँ पर 19 समझ कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, 19 सत्ते 133 होते हैं, 19 सत्ते 133, और ये इससे कटेगा तो ऊपर कितना जाएगा भाई, 19 जाएगा यहाँ पर, और 7 21, ये इस तरीके से, और ये आपका कितना आया 10 के जीरो हासिल लगा एक, 10 के जीरो हासिल लगा एक, और ये हो जाएगा आपका 4 और बटे 133, ठीक है। ये आया है आंसर भी घंटों में, इसको मिनटों में बदलने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 60 से, और 60 से मल्टीप्लाई करके भी देख लो आप कुछ कटपिट तो नहीं रहा है यहाँ पर, कटेगा तो नहीं, ठीक है। तो उसका मतलब हम ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, या तो फिर ये बी सी सही हो सकता है। और देखो सी को कैसे चेक करेंगे भाई, सी को भी तरीका वही है चेक करने का, कोई ज़्यादा वो नहीं है। 22 अगर हमारा सही है तो 22 का मतलब ये है जब डाउन स्ट्रीम करेगा तो दो जो धारा की चाल है वो ऐड हो जाएगी, यानी 24 किलोमीटर से वो डाउन स्ट्रीम करेगा, ठीक है। तो 24 किलोमीटर के हिसाब से भाई साहब 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो गया 6 किलोमीटर, तो टाइम इतना लगा प्लस। अब जब आप स्ट्रीम करेगा तो 2 किलोमीटर कम हो जाएगी 22 में से, तो 20 के हिसाब से करेगा तो भाई 20 के हिसाब से वो गया 6 किलोमीटर, तो ये टाइम लगेगा टोटल। इसको जोड़ के कब फटाफट कर दो, 6 से देखो ये कट रहा है, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कटेगा 10 बार, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 10 चौक 40 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। और ये 40 एलसीएम आने के बाद क्या होगा भाई, क्योंकि 4 एलसीएम आया, 4 से कटेगा 40 10 बार, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में तो 10 आएगा प्लस, 10 से कटेगा 40 4 बार और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किस में भाई, 3 में, 4 थी 12 आ जाएगा 12। अब कितना आया, अब ये आपका आ गया 22, है ना, 22 बटे 40 आ गया, 22 बटे 40, ठीक है। अब ये घंटों में, घंटे में है, तो मैं इसमें को कन्वर्ट कर लेता हूँ मिनट में, 22/40 और मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, देखो यहाँ पर कट रहा है ये इससे, और 2 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा, 11 33, देखो यहाँ पर 33 मिनट आंसर आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है भाई, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन जो होगा तो आपको हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि टाइम तो नहीं लगना चाहिए वैसे देखा जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन को उसने ऐसा मॉडिफाई कर रहा है कि भाई जिस बच्चे को पता है कि हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन टेस्ट लगाना है भाई, एग्जामिनर भी तो इंटेलिजेंट है ना, वो सोच के बैठा है कि उसने 10 क्वेश्चन ऐसे दिए कि आप फटाफट कर दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन वो ऐसा वो देगा कि या तो आप उसमें कॉन्सेप्ट लगाने लग जाओगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे और थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा ले लोगे, ठीक है, या फिर आप कुछ और दूसरी अप्रोच लगाओगे और जल्दी आंसर लगा दोगे। अब जैसे कि ये सेकंड अप्रोच आपकी क्या थी, यहाँ पर आपको ऑप्शन टेस्ट लगाना था और थोड़ा जल्दी, जैसे कि ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, अभी हमने देखा है करके तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मेरे तो दिमाग में थी ना, मैं चाहता तो सीधा शुरू कर देता कि 25 के हिसाब से 6, 21 के हिसाब से 6, चलो ये नहीं होगा दूसरे ऑप्शन चलता हूँ, ठीक है, ऐसे कि 42 के हिसाब से 6 और 38 के हिसाब से 6, ऐसे करके चल लेता। तो वो चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ठीक है। तो एक बार जरा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।